हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीप्ति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस जो आपके यूपी टेट और पीईटी जैसी परीक्षाओं में काफ़ी लाभदायक रहेंगे, या कई और भी टीचिंग एग्जाम्स जिनमें जिनकी आप तैयारी करते हो और उनमें इंग्लिश आती है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो डिस्कस करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अप्रॉक्स 17 से 18 क्वेश्चन है हमारी आज की वीडियो में। तो देखेंगे आज के क्वेश्चंस 1 by 1 विद एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यस्टरडे आई सॉ ब्लैंक यूरोपियन राइडिंग ऑन ब्लैंक एलिफेंट। तो इस ब्लैंक में क्या क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एन और ए, बी है द और द, सी है ए और एन, डी है ए और दी। ठीक है, तो आपको इस बात इसमें एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि बहुत सारे लोग हैं इसमें यूरोपियन में पहले ई देख के यहाँ पे एन वाला ऑप्शन कंफर्म कर देंगे, क्योंकि एन ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही है, इसलिए ये लोग कंफर्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एन अगर आप लगा देते हैं तो आपका एक नंबर आसानी से कट जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करती हूँ कि यहाँ पर एन क्यों नहीं आएगा। और देखिए, यूरोपियन बेसिकली यूरोपियन, ठीक है, भले ही ये ई वॉवल से शुरू हो रहा है, लेकिन जब इसका हम साउंड निकालते हैं तो कैसे आता है, यूरोपियन। ठीक है, जो कि वॉवल नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे एन ना होकर के ए आएगा, और एलिफेंट हमारा वॉवल से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए और एन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्लीज़ डिस्क्राइब एन स्टोरी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें आपको चार ऑप्शन में से बताना है कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर या फिर कौन सा फॉर्मेट सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका प्लीज़ डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, प्लीज़ डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, या फिर प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी, या फिर प्लीज़ डिस्क्राइब टू द स्टोरी। देखिए, डिस्क्राइब मीन्स होता है किसी चीज़ के बारे में गहनता से बताना। प्लीज़ डिस्क्राइब दी स्टोरी, एन स्टोरी, एन तो आपका यहाँ पे किसी भी हालत में नहीं आएगा, क्योंकि स्टोरी आपका वॉवल नहीं है, तो ये तो गलत है। इसका सही रूप आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो डिस्क्राइब ऑफ दी स्टोरी, स्टोरी का डिस्क्राइब करना है, ये तो कोई तुक्की बात नहीं बैठ रही। बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, इसमें डिस्क्राइब अबाउट दी स्टोरी। देखिए, अबाउट यहाँ पे इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि डिस्क्राइब मीन्स ही होता है किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना या बताना। ठीक है, तो ये सुपरफ्लूअस वर्ड हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आएगा प्लीज़ डिस्क्राइब दी स्टोरी, डिस्क्राइब के बाद कोई भी आपका प्रीपोजिशन ईटीसी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि फिल इन दी ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको इस ब्लैंक में करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। ठीक है, पहला आपका जो क्वेश्चन है इसका वो है, अ प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड ब्लैंक मर्डर। एक्यूज़ के बाद क्या आएगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे टू आएगा या ऑफ आएगा या फिर फॉर आएगा या फिर ऑफ आएगा। तो गाइज, आप सभी को इतनी बात पता होनी चाहिए कि एक्यूज़ हमेशा ऑफ से फॉलो किया जाता है। ठीक है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द एंटोनीम ऑफ इनोसेंट इज, इनोसेंट का जो एंटोनीम है वो क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, इनोसेंट मीन्स क्या होता है, बेगुनाह। इनोसेंट मीन्स, पहला ऑप्शन है आपका एक्टिव, या फिर क्लेवर, या फिर इग्नोरेंट, या फिर गिल्टी। तो बेगुना का जो एंटोनीम है आपको वो यहाँ पे बताना है, इसलिए आपका इनोसेंट मीन्स बेगुना, तो गिल्टी मीन्स होता है गुनहगार। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। एंटोनीम यानी कि विपरीत शब्द बताना है, तो बेगुना का जो विपरीत शब्द होगा वो गुनहगार होगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट इज, यानी कि सिग्निफिकेंट का सिनोनिम आपको बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि इसके समान जो शब्द है वो कौन सा रहेगा, एफिशिएंट, प्रोमिनेंट, या फिर मैग्निफिसेंट, या फिर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट मीन्स होता है कोई महत्वपूर्ण चीज़ या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो इसका जो आपका सिनोनिम जाएगा वो कौन सा जाएगा, इम्पॉर्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आपको बात क्लियर हो गई होगी इतनी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग सफिक्सेस। ठीक है, बात आपको यहाँ पे सफिक्सेस पता होना चाहिए कि सफिक्स क्या होते हैं। तो जब किसी भी वर्ड में पीछे कुछ लेटर्स लगा के जो
बेसिकली प्लूरल बनाना है यहाँ पे, उसी को सफिक्स कहते हैं। जो सफिक्स में पीछे लेटर्स लगते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं, जब आगे लेटर लगते हैं तो वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी होगी। तो गाइस आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑक्स मीन्स होता है बैल, और ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सिन, ऑक्सिन। ठीक है, तो ई एन सफिक्स लगा के आप इसका प्लूरल बना सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोनाउन बताना है। यहाँ पे प्रोनाउन क्या आएगा, दिस ड्रेस इज ब्लैंक एंड दैट वन इज माइन। ठीक है, माइन आपका बताया है। ठीक है, तो ये जो मी की फॉर्म है वही तो होती है, मी माय माइन। ठीक है, आपको इतनी बात क्लियर होगी। तो जब माइन आया है तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस ड्रेस इज योर्स, यानी कि ये ड्रेस तुम्हारी है और वो वाली मेरी है। यहाँ पे माइन आया है इसलिए आपका योर्स आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द फेमिनाइन जेंडर ऑफ विजार्ड। गाइस विजार्ड मीन्स क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, विजार्ड होते हैं जादूगर लोग। ठीक है, तो इसका आपको फेमिनाइन जेंडर बताना है, यानी कि स्त्री लिंग बताना है। तो विच होगा या लिजार्ड होगा या फिर फेरी होगा या फिर घोस्ट होगा, ये आपको बताना है। तो गाइस विजार्ड का जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो विच होता है, विच को हिंदी में आप जादूगरनी भी कह सकते हैं एक तरीके से, इसलिए आपका 8th का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग सफिक्सेस इज नॉट सुटेबल फॉर द रूट वर्ड प्रिवेंट। ठीक है, प्रेवेंट के बारे में जो आपको सफिक्स नहीं लग सकता है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो गाइज आप सभी को पता होना चाहिए प्रेवेंटेबल भी होता है, प्रेवेंटिंग भी होता है, प्रेवेंटिव भी होता है, लेकिन प्रेवेंसियस नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, इसलिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे आई होप। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि ब्लैंक आई वुड हैंड ओवर दी मनी टू दी पुलिस, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ये इन्होंने पूछा है। बाद का आपका जो क्वेश्चन है वो है आई वुड हैंड ओवर द मनी टू द पुलिस। ऑप्शन नंबर ए आपका इफ़ आई वॉज यू, इफ आई एम यू, इफ आई वर यू, या फिर इफ आई वुड हैव बीन यू। तो गाइज आप सभी को पता होना चाहिए जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पूरी नहीं हुई होती हैं, या फिर लोग सोचते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या फिर काश ऐसा हो जाता, काश मैं चिड़िया होता, इफ़ आई वर अ वर्ड। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ये इसकी बात फुलफिल नहीं हुई लेकिन ये सोच रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट हमेशा यूज़ होता है, इफ़ आई वर यू। तो यहाँ पे आ जाएगा इफ़ आई वर यू आई वुड हैंड ओवर दी मनी टू दी पुलिस। ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए, तो 10 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। वो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 आपसे पूछ रहा है ही वॉज ब्लैंक गुड टू बी चेस्ट। ठीक है, सो आएगा, नो आएगा, या फिर ऑल आएगा, या फिर टू आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो गाइज आप सभी को पता होना चाहिए जो टू होता है वो हमेशा फॉलो होता है टू से। ठीक है, तो टू आपका यहाँ पे आया हुआ है इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ही वॉज टू गुड टू बी अ चेस्ट। इतनी बात आपको क्लियर होगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 आपसे कह रहा है कि ब्लैंक, 12 आपसे बात कर कह रहा है कि ब्लैंक सेवरल अर्ली सेटबैक्स He want to complete his education, यानी कि इस blank में क्या आएगा, several early setbacks, he want to complete his education, despite या in spite या फिर although। तो देखते हैं, आप सभी को ये वाली बात पता होनी चाहिए कि despite के बाद कभी भी आपका of नहीं आता है। ठीक है, पहला आपका option यहाँ से गलत हो गया। ठीक है, डिस्पाइट इसमें नहीं है, ऑप्शन बी आप अभी हम लोग चेक कर लेंगे, हो सकता है ऑप्शन बी आपका राइट हो। बात करेंगे अगर इंस्पाइट की, तो गाइस आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि इंस्पाइट के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो ये भी इसमें नहीं है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की, ऑल दो, यानी कि ऐसा हो सकता है कि ऑल दो, यद्यपि उसके पास इतने सारे सेटबैक्स आए लेकिन फिर भी वह अपनी एजुकेशन पूरी करना चाहता है, तो ये भी कोई आंसर नहीं बन रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, डिस्पाइट सेवरल अर्ली सेटबैक्स ही वॉन्ट टू कम्प्लीट हिज एजुकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या बाकी के सारे क्वेश्चन जो मैं करा चुकी हूँ उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13।
और अगर आप सभी को इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई योर आंसर, ठीक है। तो इसमें है आपका सबसे पहले ब्लैंक, फिर आई नेवर मेट हिम इन ऑल माई लाइफ, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, ट्रूथफुली या फिर फैक्चुअली या फिर इन दी फैक्ट या फिर टू टेल यू दी ट्रूथ। तो गाइज आप सभी को एक बात बता दूँ कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर देखा जाता है इंग्लिश में कि कौन सा अप्रोप्रिएट हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको दो ऑप्शन मिल रहे होंगे राइट, लेकिन उनमें से ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो होगा वही आपको टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या हो सकता है, मतलब कोई भी इंसान अगर किसी से कह रहा है कि फैक्चुअली आई नेवर मेट हिम इन माई लाइफ, मतलब फैक्चुअली यानी कि फैक्ट दिखा के कह रहा है कि मैं उससे कभी भी अपनी लाइफ में नहीं मिला हूँ, ठीक है। ट्रूथफुली या फिर उसको ट्रूथफुली भी कह सकते हैं, इन दी फैक्ट और फैक्चुअली तो सेम हो जाएंगे, इसलिए आपका बी और सी गलत हो जाएगा। टू टेल यू द ट्रूथ, ये तो कोई वो आंसर ही नहीं बन रहा, इसलिए आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। तो 13 में आपका आंसर हो जाएगा ट्रूथफुली आई नेवर मेट हिम इन ऑल माई लाइफ। ओके गाइस, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 है आपका लैंड योर ईयर्स ब्लैंक योर हर्ट, यानी कि लैंड योर ईयर्स, लैंड योर ईयर्स एक idiom टाइप का है, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि ध्यान से मेरी बात सुनो, उसमें आपका कहा जाता है लैंड योर ईयर्स, यानी कि आप ध्यान से किसी की बात तो सुनो लेकिन अपने अपना बेसिकली जो दिमाग है या दिल है वो भी मत दे दो, ठीक है। तो लैंड योर ईयर्स नॉट बट, नॉट बट तो उल्टा है इसलिए आपका गलत हो जाएगा, ओनली नॉट भी कोई चीज़ नहीं होती है, बट नॉट या फिर नेवर, नेवर नहीं लगेगा यहाँ पे लगेगा बट नॉट, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका लैंड योर ईयर्स बट नॉट योर हार्ट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा आपको इसमें। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि अलाउंस गिवन टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, इसको आप क्या कहते हैं, यानी कि जब किसी की पत्नी को लीगल सेपरेशन यानी कि लीगली जब वो सेपरेट होती है अपने हस्बैंड से, तो उसको जो अलाउंस दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, एक्स ग्रेसिया या एलिमनी या फिर हश मनी या फिर सोलेटियम। तो इसका आप लोग आंसर गैस कीजिए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ। तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर गैस कर लिया होगा, जिसको आता है उन्होंने गैस कर लिया होगा, जिसको नहीं आता है वो सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है या तुक्का लगा रहे होंगे, तो ऐसा मत करिए, इसका आंसर मैं आपको राइट बता देती हूँ और आगे से आप लोग इसको गलत मत करिएगा। तो जो अलाउंस किसी की पत्नी को दिया जाता है लीगल सेपरेशन के बाद उसे एलिमनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका 15 का राइट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन, यानी कि जब आरबीसी की शरीर में कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, एनीमिया, एमनेसिया, अफेजिया या फिर एमनेस्टी। तो गाइज ये तो बायो का क्वेश्चन है और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, तो इसलिए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों को इसका आंसर मुंह पे रटा होना चाहिए। अगर जिसको नहीं पता है तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन आपका एनीमिया कहलाता है। जब आपको एनीमिया रोग होता है तो हो जाता है, तो आपके शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कि समथिंग केप्ट एज रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, यानी कि जब किसी इवेंट में आप जाते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ दी जाती है जो आप अपने पास रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एपिटोम, एपोस्टल या फिर सोविनेर या फिर सोजॉर्न। तो गाइज इसका आंसर आप सभी को अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, समथिंग केप्ट एज रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट कहलाता है आपका सोविनेर, ठीक है, सोविनियर, ऑप्शन नंबर सी 17 का आपका यहाँ से सी सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की आज के, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट्स स्टडीज फिशेस आप क्या कहलाती है, ठीक है, इस्थियोलॉजी या फिर मॉर्फोलॉजी या फिर ऑन्कोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी। तो गाइस इसका आंसर आप सभी बताइए, अगर आप सभी को आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इसको आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। अगर आप सभी को इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सभी के आंसर ज़रूर चेक करूँगी, और अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर ज़रूर बताऊँगी। तो बात करेंगे आज की वीडियो में, इतना ही, इतने ही क्वेश्चन थे, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।